चुनावी माहौल में अखिलेश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई की ओर से रेत के अवैध खनन मामले में नोटिस जारी किया गया। नोटिस के अनुसार 29 फरवरी को अखिलेश यादव को दिल्ली में सीबीआई के सामने गवाही के लिए पेश होना होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीबीआई की ओर से रेत के अवैध खनन मामले में नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में सीबीआई द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार 29 फरवरी को अखिलेश यादव को दिल्ली में सीबीआई के सामने गवाही के लिए पेश होना होगा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस जारी किया गया है, जिसके तहत उन्हें 29 फरवरी को सीबीआई के सामने गवाही के लिए पेश होना होगा। तुम कानून है, उनको जाना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। भाई सांच को आज किस बात की, सांच को किसी बात की आज तो होनी नहीं चाहिए। और ये जो सम्मन दिया है सीबीआई ने, आज की बात है, आप कितनी पुरानी बात है याद करिए ना। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो डंडा चल रहा है मोदी जी का, योगी जी का, वो चलता रहेगा, चाहे कोई राजनीति की बात की तुम लावे, बचने वाला नहीं है। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह बीजेपी सरकार पर निशाना साधते नजर आए। सपा नेता ने कहा कि सीबीआई ईडी हर चुनाव से पहले सक्रिय हो जाती है और बीजेपी के इशारों पर सम्मन भेजती है। उन्होंने आगे कहा कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 में तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, खनन अधिकारी और कई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में दावा किया गया कि सरकारी कर्मचारियों ने हमीरपुर में खनिजों का अवैध खनन होने दिया था। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।